जो सुविधाएं होती हैं नेत्र चिकित्सा के लिए, नेत्र के रोगों के उपचार के लिए, वो सारी सुविधाएं इस शंकर आई हॉस्पिटल में मौजूद हैं। क्योंकि अभी इसके पहले यहाँ के जो एमपी हैं आरबी रमणी साहब, डॉक्टर आरबी रमणी, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने डीडी न्यूज से खास बताया कि किस तरह की सुविधाएं वो पूर्वांचल में देना चाहते हैं। और ये 14वां हॉस्पिटल है भारत में, इसके पहले उत्तर प्रदेश में कानपुर में शंकर आई हॉस्पिटल है। और ये लोग प्रधानमंत्री को यहाँ पर बुलाकर बहुत ही गरिमामयी गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो वाराणसी के सांसद भी हैं वो इसका लोकार्पण कर रहे हैं। तो लोक सेवा को लेकर चलने वाला यह शंकर आई जो फाउंडेशन है, क्योंकि नेत्र के उपचार के लिए, नेत्र के रोगों के उपचार के लिए बहुत जाना माना नाम है। तो अश्विनी, मैं आपको बताऊं कि चूंकि आप भी पूर्वांचल से हैं, तो पूर्वांचल की जो रीच है, इन लोगों ने लगभग 20 जिलों को बनाया है जिसमें इनके लोग जाएंगे। वाराणसी एवं पूर्वांचल वाराणसी फेसबुक और टीम का लोकार्पण रहा है, जिसमें नेशनल कौन से स्कूल से हो आप लोग? अच्छा, क्या किया आप लोगों ने, कैसे यहाँ पे आए बताओ, यहाँ पे कैसे आना हुआ? आप बोलिए आज क्यों आए, ये बताइए, क्या बताया गया आपको? सुनने आए। जय श्री राम का रिप्लाई नहीं आ रहा है। सभी दो पहिया वाहन आर्यन कॉम्प्लेक्स के पार्किंग में लगेंगे। आप सभी निवेदन है कि ध्यान दें, आयोजन के संपन्न होने के बाद कोई भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सदस्य परेशान न हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।